गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम शंभू सर, योर मैथ टीचर। वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स सर, फैक्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन फैक्टर पर डिस्कस करते हैं। एनी नंबर जिसे कोई अदर नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, वहां रिमाइंडर जीरो मिलता है, दैट वन वो उसका फैक्टर होता है। या अदर मीन्स कि जो लाइक दैट ऐसे 12। अब हमें फाइंड करना है फैक्टर्स ऑफ 12। तो देखिए फैक्टर्स जो होंगे 12 की, उस पर देखिए कि फर्स्ट वन या तो साइंस ये लगाए कि फैक्टर मींस या तो 12 जिस टेबल में आ रहा है, किस टेबल में आ रहा है, तो या आप 12 को किस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। सर फर्स्ट वी नो दैट 12 वन जा 12, 2 सिक्स जा 12, 3 4 जा 12, 4 जा 6 जा और 12 वन जा, ये सारे जो हैं वो फैक्टर्स हैं। अच्छा दूसरा ये जो होते हैं, जैसे हमने बोला है कि फैक्टर्स है जो आपके कितना फैक्टर्स ऑफ 12, तो जो फैक्टर हैं ये क्या क्या आपके 1 2 3 4 5 6 एंड 12। और अब आते हैं इसी पर डिस्कस करने के लिए कि मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स की बात करें तो ये जो है आप 1 2 3 4 5 6 ये सारे किसके फैक्टर है 12 के, ठीक है, और 12 जो है वो इनका मल्टीपल है। बात को समझना, जैसे 1 × 12 12, 2 × 6 12, ये सारे नंबर्स का मल्टीपल कौन है 12 है। मल्टीपल का तो मींस डायरेक्ट है भैया कि मल्टीपल्स तो होगा, जैसे हमारे पास 2 है तो 2 का मल्टीपल्स मींस 2 के टेबल 2 4 6 8 up to 50 100 45 ऐसा सो ऑन चलता रहे, क्लियर है। तो ये हुआ आपका मल्टीपल। अब मल्टीपल 3 का फाइंड करते हैं, तो देखिए 3 6 9 12 तो देखिए 2 का मल्टीपल भी 2 हो रहा है और 3 का मल्टीपल 3 भी आ रहा है, मींस एवरी नंबर मल्टीपल ऑफ सर एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, क्लियर है, मींस नंबर खुद का भी एक मल्टीपल होता है, इतना क्लियर है। फैक्टर आप फाइंड कर लेंगे, मल्टीपल में आपको आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए अब इस पर 20 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द following numbers, whose first question 10. Sorry. Write all the factors of the following numbers whose first question 10. So we know that
फैक्टर्स ऑफ एन आर क्या क्या होंगे? तो सर देखिए, फर्स्ट वन वन जो है, अगर फैक्टर की बात होती है, जब भी आप फैक्टर्स फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का, एनी नंबर, तो उसके फैक्टर्स में कौन इंक्लूड होने वाला है? ऑलवेज ऑलवेज वन, क्लियर है? और इटसेल्फ तो आने ही वाला है, वन और इटसेल्फ, ये दोनों नंबर हैं, ये कंपलसरी होंगी किस किस के लिए? वो फैक्टर्स के लिए। तो आप देखिए, फर्स्ट वन, वन तो आपका नेसेसरी है, फिर टू के टेबल में भी आता है, फाइव होता है और टेन भी, मीन्स वन एंड टेन, मीन्स नंबर इटसेल्फ और वन, ये नेसेसरी होंगे, क्लियर? सेकेंड बी, बी वी हैव ट्वेल्व। तो फर्स्ट देखिए सर, फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व आर, सर फर्स्ट वन आपने बोला है, वन तो आपका आना श्योर है, फिर टू सिक्स जार ट्वेल्व, थ्री फोर जार ट्वेल्व, सिक्स टू जार ट्वेल्व और आपका ट्वेल्व, ये देखिए आ गया, मीन्स वन और इट्स सेल्फ, क्लियर हो रहा है? तो ये आपके क्या होंगे आंसर, इतना क्लियर हो रहा है? चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।